गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विकास कुमार, अ टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आई एम वेलकमिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। दोज स्टूडेंट्स हु हैव दिस इंग्लिश ग्रामर बुक स्टेज ऑफ ग्रामर, प्लीज टेक आउट दिस बुक एंड बी रेडी टू लर्न चैप्टर 15, बिकॉज इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न चैप्टर 14, सो वी विल लर्न चैप्टर 15 टुडे। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 58। इन पेज नंबर 58 चैप्टर 15 हैज बीन गिवन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडजेक्टिव। यू कैन सी, आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, एडजेक्टिव विशेषण। देन हम लोग जानेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है। ओके, अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ये आपका डिफिनेशन है। अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, डिस्क्राइब करे, वर्णन करे, उसको हम लोग नाउन, सॉरी एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वह एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ओके, दिस इज अ रेड रोज, दिस इज अ रेड रोज। देख रहे हैं यहाँ, यहाँ रेड जो है क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है। सो रेड हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, ही इज अ लिटिल बॉय, यह क्या है, एक छोटा लड़का है। यहाँ पे लिटिल वर्ड क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए लिटिल क्या है, एक एडजेक्टिव है। सी इज एन ओल्ड लेडी, सी इज एन ओल्ड लेडी, यहाँ हमारा ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे ही नेक्स्ट है, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर होता है। देन बिग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज अ फैट मैन, देख रहे हैं यहाँ नाउन की विशेषता, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है, फैट वर्ड, इसलिए फैट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके, यहाँ डॉग वर्ड जो है नाउन है, उसको फेथफुल वर्ड क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, उसका व्याख्या कर रहा है, इसलिए फेथफुल वर्ड क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। ओके, समझ गए। नाउ इन दिज सेंटेंसेस द वर्ड्स रेड, लिटिल, ओल्ड, बिग, फैट एंड फेथफुल आर एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने आप लोग को बताया हूँ, एडजेक्टिव आर ऑफ डिफरेंट काइंड, एडजेक्टिव जो है डिफरेंट टाइप काइंड के होते हैं। जैसे फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को जानेंगे। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर देयर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से हमें क्या पता चलता है, हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि व्यक्तियों की संख्या और वस्तुओं की संख्या को ये क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बतलाता है। ठीक है, जैसे देयर इज सम हनी इन द जार, देख रहे हैं यहाँ पे देयर इज सम हनी इन द जार, यहाँ पे हनी को बतला रहा है कि कितना हनी, यानी कि सम हनी, क्वांटिटी बतला रहा है नहीं, उसके मात्रा को बतला रहा है। तो हमारा सम वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में क्या है, लिटिल मिल्क है नहीं, क्वांटिटी बतला रहा है, उसके मात्रा को बतला रहा है। सो लिटिल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि मात्रा को बतला रहा है। ठीक है, नाउ पेज नंबर 59। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दिस टेल्स अस हाउ मेनी नाउन्स आर देयर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बतलाता है, दिस टेल्स अस हाउ मेनी नाउन्स आर देयर, यानी कि नाउन्स की संख्या को ये बतलाता है। ओके,
जैसे देखिए एग्जाम्पल में वन आउल इज सिटिंग, यहाँ पे संख्या बतला रहा है ना, नहीं, हाउ मेनी नाउन्स आर देयर, यानी कि नाउन्स की संख्या को बतला रहा है, तो यहाँ क्या है संख्या कितना है वन, सो वन हमारा क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्या बतला रहा है। सेकेंड में टू गर्ल्स आर डांसिंग, यानी गर्ल्स जो है जो डांस कर रही है उसकी संख्या को बतला रहा है, सो हमारा टू क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट थ्री बर्ड्स आर फ्लाइंग, थ्री बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहाँ भी बर्ड्स की संख्या को बतला रहा है, इसलिए थ्री हमारा वर्ड क्या है, थ्री वर्ड्स क्या है वर्ड्स की संख्या को बतला रहा है, देन थ्री वर्ड जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, इन दीज सेंटेंसेस वर्ड्स वन टू थ्री एंड मेनी आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इन जो सेंटेंसेज में जो दिया गया है वन टू और थ्री ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, यानी कि संख्या का पता चल रहा है, नहीं नाउन्स की संख्या का, इसलिए क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, एक वैसा वर्ड जो नाउन के क्वालिटी को बतलाता हो यानी कि नाउन के गुण को बतलाता हो वो क्या कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल विशाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, विशाल ये क्या है हमारा नाउन है, इसके क्या बतला रहा है क्वालिटी को, गुण को बतलाया जा रहा है, यानी कि विशाल कैसा है इंटेलिजेंट है, इसलिए विशाल सॉरी इंटेलिजेंट हमारा क्या हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। ओके, विशाल की विशेषता को बतलाया जा रहा है, गुण को बतलाया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल अशोका वाज अ ग्रेट किंग, यहाँ भी अशोका क्या है एक नाउन है और इसकी क्वालिटी को बतलाया जा रहा है कि वह कैसा कैसे थे एक ग्रेट किंग थे, तो हमारा ग्रेट वर्ड जो है क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ओके, मिसेस वर्मा इज अ रिच ओमेन, मिसेस वर्मा क्या है एक रिच ओमेन है, इनका भी क्वालिटी बतलाया जा रहा है मिसेस वर्मा का, सो रिच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं। नाउ इन दिस सेंटेंसेस वर्ड्स इंटेलिजेंट ग्रेट रिच न्यू, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है न्यू, उसके बाद सावर एंड स्वीट आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ये जितने भी रेड कलर में वर्ड्स जो हैं ये सब क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि यह किसी ना किसी नाउन के क्वालिटी को बतला रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नाउन एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अ वर्ड दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ट इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ट इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि वह शब्द जो किसी जिस व्यक्ति और वस्तु को पॉइंट आउट करता है इंगित करता है इशारा करता है बतलाता है वह क्या कहलाता है कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि वैसा शब्द जो किसी पर्सन और वस्तु को इंगित करता है पॉइंट आउट करता है इशारा करता है वह क्या कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, सपोज डैट अगर एक बुक है उसको हम लोग कह रहे हैं दिस बुक इज माइन, यानी कि किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं बतला रहे हैं, तो जिस वर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए वह वर्ड क्या कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे देखिए दिस बुक इज माइन, यानी कि किसी बुक को हम क्या कर रहे हैं दिस वर्ड से पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दिस हमारा क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट दिस फ्लावर्स आर नॉट प्रीटी, कुछ फ्लावर्स हैं जो सुंदर नहीं है, यानी कि कुछ फ्लावर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है दिज, यानी कि दिज वर्ड से उसको क्या कर रहे हैं फ्लावर्स को
पॉइंट आउट कर रहे हैं. सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, दिस बॉय कैन नॉट वॉक. कोई लड़का है, यह लड़का नहीं वॉक कर सकता है, यानी कि किसी लड़का को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं. कौन से वर्ड से? दिस वर्ड से. सो दिस वर्ड इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस जो हमारा एक वर्ड है, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी लड़का को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं दिस वर्ड से, इसलिए ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ओके, इन द एबव सेंटेंसेज द वर्ड्स दिस एंड दिस आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये जो वर्ड्स जो दिए गए हैं, दिस एंड दिस, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ओके, नाउ पेज नंबर 60. पेज नंबर 60 लास्ट एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन्स के साथ यूज होते हैं क्या करने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए. ओके, जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू, हुज बुक इज दिस. हुज बुक, हुज के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है. तो ये नाउन के साथ क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं. ओके, क्वेश्चन पूछने के लिए. देखिए दोज, सॉरी हुज के बाद बुक आ रहा है, नाउन है. नहीं, हुज बुक इज दिस, हुज के बाद क्या आया? नाउन आया, और इससे हमारा एक क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है. नहीं, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? देख रहे हैं ना, तो हमारा हुज वर्ड जो है ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, व्हिच ड्रेस विल सी वियर फॉर द पार्टी. व्हिच ड्रेस विल सी वियर फॉर द पार्टी. देखिए व्हिच के बाद भी नाउन आया, तो नाउन के पहले क्या होता है? ये आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और उससे एक क्वेश्चन अराइज होता है. एक क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, तो हमारा वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है. फॉर ए क्या हुआ हमारा? विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ. ओके, इन दीज वर्ड्स हुज एंड विच आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. नहीं, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये क्या है? हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं. ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज फॉर असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ए का फर्स्ट, आइस इज डैश. ऑप्शन नंबर ए कोल्ड, बी वार्म, सी एक्सट्रीम. तो आप लोग जानते हैं आइस क्या होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट. यहाँ पे क्या करेंगे? टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को. क्वेश्चन नंबर टू, द फीदर्स आर डैश. फीदर्स कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हेवी, बी लाइट, सी स्ट्रॉन्ग. तो फीदर्स आप लोग जानते हैं फीदर्स कैसे होते हैं? लाइट, हल्के होते हैं. पंख क्या होता है? हल्का ही ना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, बटरफ्लाइज हैव डैश विंग्स. बटरफ्लाइज हैव डैश विंग्स. ऑप्शन नंबर ए डल, बी ब्राइट, सी बैड. विच इज राइट? ब्राइट, ब्राइट होता है. नहीं, बटरफ्लाइज हैव ब्राइट विंग्स. बटरफ्लाइज के विंग्स जो हैं कैसे होते हैं? ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग खुद से पढ़िए. क्वेश्चन नंबर बी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. ये जो सेंटेंसेज दिए गए हैं इसमें एडजेक्टिव्स हैं, उस एडजेक्टिव्स को क्या करना है? अंडरलाइन करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. विच इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? देखिए ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या है? द ताजमहल के क्वालिटी को बतला रहा है, इसलिए हमारा ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है. ब्यूटिफुल को क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे ऐसे. नेक्स्ट, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट. स्वीट, ये भी क्या है? हमारे मैंगो की विशेषता को बतला रहा है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली इज अ बिग सिटी. दिल्ली की विशेषता को बतला रहा है, बिग वर्ड, इसलिए बिग क्या है? एडजेक्टिव है. ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सचिन इज अ फेमस प्लेयर. सो फेमस हमारा क्या है? सचिन की विशेषता को बतलाया जा रहा है, तो फेमस हमारा क्या हुआ?
एक एडजेक्टिव हुआ। इसी प्रकार फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ को आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें क्या है, एक वर्ड दिया गया है जो एडजेक्टिव है उसका हम लोग अपोजिट लिखेंगे। ओके, यहाँ पे अपोजिट लिखना है। जैसे स्वीट, एप्पल्स आर स्वीट बट ऑरेंज आर डैश। तो स्वीट वर्ड है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। एप्पल्स क्या होता है, स्वीट होता है, बट ऑरेंज आर सावर। लिखिए सावर, एस ओ यू आर सावर। ओके, फुल स्टॉप। नाउ पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिफेंट इज बिग बट एन एंट इज व्हाट, स्मॉल। बिग का अपोजिट लिख देंगे स्मॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फायर इज हॉट बट आइस इज कोल्ड। हॉट का अपोजिट लिखेंगे, हॉट क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का ही यहाँ क्या करना था, अपोजिट लिखना था। तो हॉट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कोल्ड। ओके, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ आप लोग बनाएंगे, एट्थ भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं बॉक्स में, इसमें से चुनना है और एक खाली जगहों को भरना है। फर्स्ट है क्वेश्चन, लक्ष्मी बाई वॉज अ डैश वोमैन। बताइए विच इज करेक्ट, विच एडजेक्टिव इज करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस। रेनी, फेथफुल, ब्रेव, क्लेवर, विच, हिस्टोरिकल, मेनी, ब्रेव। फर्स्ट में क्या होगा, ब्रेव। लक्ष्मी बाई वॉज अ ब्रेव वोमैन, नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ताजमहल इज अ डैश मोनूमेंट। द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट। क्या लिखेंगे, एच आई एस टी ओ आर आई सी एल, हिस्टोरिकल मोनूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, चिल्ड्रेन आर हैप्पी टू बी आउट ऑन अ डैश डे। बच्चे क्या हैं, रेनी डे के दिन बहुत खुश होते हैं, इसलिए यहाँ रेनी भरिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ आप लोग भरेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, मैच द एडजेक्टिव्स विथ देयर नाउंस बाई ड्रॉइंग लाइन्स। क्या करना है, मैच द एडजेक्टिव्स विथ देयर नाउंस बाई ड्रॉइंग लाइन्स। लाइन्स के सहारे क्या करना है, इसको एडजेक्टिव्स को उसके नाउन से मैच कराना है। जैसे ग्रीन, ग्रीन को किससे करेंगे, एलिफेंट है, बिल्डिंग है, फ्लावर, लाइट, डॉल, ट्री। तो ग्रीन को हम लोग ट्री से मैच करेंगे। फिर बिग है, बिग को, बिग को बिल्डिंग से। ओके, टॉल, ये बिग को, बिग को हम लोग एलिफेंट से मैच करते हैं। बिग एलिफेंट, टॉल बिल्डिंग, कलरफुल, कलरफुल डॉल, ब्यूटीफुल फ्लावर, लास्ट है ब्राइट लाइट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।